कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि कंप्यूटर टीचर के लिए हो सकता है और साथ ही जो लोग नेट जेआरएफ वगैरह की तैयारी करते हैं तो वहां पे एक आईसीटी जो कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में आईसीटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर भी आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये चैप्टर। साथ ही अभी बिहार में जो है बीईटी बेट का एग्ज़ाम होने वाला है खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो उसमें भी आईसीटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि यह चैप्टर जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं या फिर आईसीटी से संबंधित जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको हर एक जगह पे जहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पे आपको ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं कि आईसीटी कहते किसको हैं और फिर इसका वर्तमान समय में जो अभी का युग है उसमें इसकी क्या महत्ता है, क्यों पूरा देश जो है आईसीटी के तरफ जा रहा है और भविष्य जो है भारत का इसी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होने वाला है आगे चल करके। तो इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है खास करके जो कंप्यूटर शिक्षक और प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं उनके लिए। सबसे पहला जो शब्द है आईसीटी, सबसे पहले आप लोग जानिए आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईसीटी का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको कि हम लोग इंफॉर्मेशन को हिंदी में सूचना कहते हैं, वहीं कम्युनिकेशन को संचार और टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया प्रौद्योगिकी। तो हिंदी में इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। अब देखिए एक शब्द आ गया यहाँ पे सूचना, सूचना किसको कहेंगे, संचार किसको कहेंगे। संचार तो कम्युनिकेशन हो गया, एक जगह से दूसरे जगह सूचना को पहुँचाने का साधन हो गया, लेकिन सूचना किसको कहते हैं। तो देखिए कंप्यूटर साइंस में दो शब्द आता है, एक डाटा और एक इंफॉर्मेशन। डाटा कोई भी रॉ फैक्ट हो सकता है और जब उसको हम मीनिंगफुल बना देते हैं तो वही जो है इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 5 हमने बोला तो 5 का मतलब क्या, 5 kg, 5 liter, 5 meter, तो वो डाटा हो गया। 5 क्या हो गया, डाटा हो गया। जब हम उसमें ऐड कर दिए 5 meter तो वो एक सूचना हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, जिसका कि एक मीनिंग निकल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग मेन रूप से डाटा और सूचनाओं का जो युग आ गया है हर एक जगह पे, जैसे अभी हम लोग आप लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से तो वो भी एक प्रकार से आईसीटी के ही प्रयोग के माध्यम से संभव हो पाया है। सारी सूचनाएँ आप तक पहुँच रही है कम्युनिकेशन संचार माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो ये सब में भी यहाँ पर आईसीटी टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग किया गया है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का। ठीक है, तो यहाँ पे शीर्षक ही है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, साथ साथ में ये भी बता दूँ बेट बहुत जल्द होने वाला है और लगभग 4,000 से 5,000 सीट आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या फिर जो लोग नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वो भी कोर्स से जुड़ सकते हैं। कोर्स में आपको पूरा जो पार्ट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च, जो पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस भी है और अन्य टॉपिक भी है, सारे टॉपिक को मैं आपको कवर करवाऊँगा। और बेट बहुत जल्द होगा, तो जो लोग 10+2 में बन चुके हैं या नहीं बन पाए हैं उनके लिए बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एक बहुत ही कह सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाला है। तो अभी से आप लोग तैयार हो जाइए कि किस प्रकार से तैयारी करें जिससे कि आप एक बार में ही बेट या नेट क्वालिफाई करके रहिए, जिससे कि जब भी वैकेंसी आएगी, और उसके लिए सिलेबस बनने को दे दिया गया है, सिलेबस तैयार होगा, एग्जाम कंडक्ट होगा, फिर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। ठीक है, तो उन सब के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं जो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं आपको पूरा टॉपिक कवर करवाऊँगा। खास करके सब्जेक्ट की बात करें तो हिस्ट्री सब्जेक्ट, और साथ साथ जो पेपर 1 की बात करें जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग रिसर्च, जो भी वहाँ से जो हाइपोथेसिस, ये सब से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब टॉपिकों को मेरे द्वारा आपको कवर किया जाएगा। चलिए अभी ये भी एक टॉपिक है जो कि आईसीटी से संबंधित है, 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो वो मैं दूसरे दिन सिलेबस के बारे में चर्चा करूँगा, क्या सिलेबस रह सकता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 110% वही सिलेबस होने वाला है जो कि पहले से
नेट के एग्जाम में हो रहा है। थोड़ा बहुत का चेंजिंग होगा, कुछ हो सकता है बिहार स्पेसिफिक जीके जीएस उसमें इंक्लूड कर दिया जाए, लेकिन बाद बाकी सिलेबस जो है वही रहने वाला है। चलिए, शीर्षक है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी का तात्पर्य होता है सूचना का आधुनिक तकनीकों के माध्यम से लक्षित वर्ग तक कैसे पहुंचाया जाए, यानी जो भी लोग सूचना जानकारी लेना चाहते हैं, गरीब से गरीब, जो समाज के दलित वर्ग से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, जहां तक कि टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाया है, वहां तक टेक्नोलॉजी को पहुंचाने का काम जो है आईसीटी के माध्यम से किया जाता है। इसके साथ ही विद्यार्थियों जो स्टूडेंट्स हैं उसको ऐसे तकनीक और उपकरणों का जो है शब्दावली से परिचित करवाया जाए जिससे कि बच्चे उस संचार प्रौद्योगिकी को समझ पाए और उसका उपयोग कर पाए। तो आईसीटी का मेन उद्देश्य यही है, जो लक्षित वर्ग समूह है, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे गरीब से गरीब जनता हो, वहाँ तक जो है सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से हो सके। और उसके लिए अभी आप जानते ही कि सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या विभिन्न तरह के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सूचनाओं को छंद में, मिनटों में, सेकंडों में आपके पास पहुंच जाता है। तो वो सब आईसीटी के अंतर्गत ही आएगा। अब देखिए, यूएनडीपी जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या है उससे संबंधित जो उन्होंने परिभाषा दिया है, यूएनडीपी ने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, उसने क्या दिया है परिभाषा, उसके अनुसार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सूचना के संचालन से संबंधित है या विभिन्न उपकरणों एवं उनके अनुप्रयोग, जो एप्लीकेशन से जो आप प्रयोग करते हैं, सेवाओं का समूह है जिसका उपयोग सूचना के उत्पादन, सूचना को क्रिएट करने में, इंफॉर्मेशन को उसको स्टोर करने में और उसका प्रसंस्करण करने में, प्रोसेसिंग करने में और वितरण और आदान प्रदान, एक जगह से दूसरे जगह सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को पहुँचाने में किया जाता है। और ये अंग्रेजी शब्द आईसीटी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म हो जाता है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, पूछ देगा आपको, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ही इसका अर्थ होता है। चलिए, अब देखिए भारत जैसे देशों में इसका क्या महत्व है, चूंकि भारत क्या है, मानव संसाधन वाला देश है, यानी यहाँ की जनसंख्या पूरे विश्व का आप कहिए अगर नया डाटा के अनुसार तो एक नंबर पे आ चुका है, लेकिन अभी हम लोग दो नंबर पे ही मानते हैं जब तक कि पूरे अच्छे से जनगणना नहीं हो जाए, ठीक है। तो अगर दूसरे नंबर पे भी जनसंख्या वाला देश है तो यहाँ पे क्या है, मानवों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन जब मानवों की जनसंख्या ज़्यादा है, जब तक उसको स्किल नहीं किया जाएगा, उसको आईसीटी से संबंधित ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, तब तक वह एक भीड़ है, एक जनसंख्या, उसका कोई उपयोग नहीं। लेकिन जब वह मानव संसाधन में बदल जाएगा, यानी जब हम उसको टेक्नोलॉजी सिखा देंगे, जैसे अभी मान के चलिए चूंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो सबको रोज़गार मिलना संभव नहीं है, आप कितना भी पढ़ लीजिए 100 में 2% लोग, यानी 100 में 2 लोगों को ही जॉब होगा, सरकारी जॉब, बाद बाकी लोगों को इन्हीं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रोज़गार मिल सकता है भारत जैसे देशों में, चूँकि यहाँ की जो कृषि है वो भी उतनी उन्नत नहीं है। तो हम क्या करें कि अपने मानव संसाधन को उसको स्किलफुल कर दें, कंप्यूटर का ज्ञान दे दें, उसको कम्युनिकेशन करने के लिए जो है प्रेरित करें, कम्युनिकेशन बेहतर करा दें जिससे कि वो BPO कॉल सेंटर वगैरह में आसानी से जॉब उनको मिल जाए, ठीक है। बहुत सारा देश जो है IT सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, उसमें भारत भी है, जो कि IT सेक्टर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी में बहुत ही आगे बढ़ चुका है, चूँकि इसके पीछे रीजन है, चूँकि यहाँ पे मानव संसाधनों की कमी नहीं है और उसको ट्रेनिंग देके हम लोग आसानी से इजीली स्किल कर सकते हैं और उसको एक जॉब यहाँ से क्रिएट हो सकता है। तो भारत जैसे देशों के लिए ICT सबसे महत्वपूर्ण है, चूँकि यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है और हमारे पास संसाधन कम है। तो हम क्या करेंगे, मानव को ही संसाधन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे कार्यक्रम हैं, कुशल युवा प्रोग्राम जो होता है, मुख्यमंत्री कुशल युवा प्रोग्राम, उसमें भी क्या है, कंप्यूटर बेसिक उसको सिखाया जाता है, उसको कम्युनिकेशन सिखाया जाता है और उसको रोजगार तक दिए जाने की बात होती है। भले ही वो जमीनी स्तर पे थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन सरकार उसके लिए प्रयासरत जरूर है। तो हम लोग सब मिलकर के अगर इस क्षेत्र में काम करें, मेहनत करें, तो आने वाले समय में भारत एक नंबर
का देश हो सकता है आईटी के क्षेत्र में, ठीक है। तो भारत में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूंकि आईसीटी का उपयोग जनरली आप देखेंगे तो हर एक फील्ड में कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा एजुकेशन के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी यह बेहतर हो सकता है, क्योंकि इसके उपयोग से हम आसानी से सूचनाओं का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करते हैं। तो भारत जैसे देशों के लिए आईसीटी एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं सब्जेक्ट है, टॉपिक है। चलिए अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का क्या महत्व है। देखिए जब से आपने देखा होगा कि ऑनलाइन शिक्षा आया है तो गरीब से गरीब बच्चे भी अच्छे अच्छे जॉब में जाने लगे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, गांव में रहते हैं, सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, वो भी इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को एकत्रित कर रहे हैं और बहुत सस्ते दामों में, ज़्यादा महंगा भी नहीं, केवल आपको इंटरनेट पैक डलवाना होता है। ऐसे भी अगर आप कहीं पढ़ने जाते, कोई एक टीचर से पढ़ते तो 1000-2000 का मंथली आपसे ले लेगा, लेकिन जब आप सूचनाओं के आदान प्रदान जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं यूट्यूब पर, आपको वही चीज़ फ्री में भी अवेलेबल हो जाता है, केवल आपको क्या करना होता है उसके लिए इंटरनेट का जो कॉस्ट है वो आपको लगता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर कि ये जो है आईसीटी ऑनलाइन शिक्षा को बहुत तीव्र गति से जनता के बीच में, यानी कह सकते हैं कि जो लक्षित वर्ग है, जो गरीब से गरीब छात्र हैं, वहाँ तक पहुँचाने में बहुत ही कारगर साबित हुआ है। तो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को अधिक अभिगम बनाने में आईसीटी का महत्वपूर्ण योगदान है। दूर दराज के क्षेत्र में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना, पहले क्या था कि जो अच्छे टीचर होते थे खास करके बड़े महानगरों में रहते थे, जिससे कि क्या हुआ कि जो महानगर में स्टूडेंट्स रहे उनको तो वो फ़ायदा मिला, या गांव से आकर के उतना खर्च करके पढ़े, तो सुदूर एरिया के जो छात्र हैं वो उस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्या है कि आप देखेंगे कि बहुत सारा, जैसे साइंस का ही, जैसे आप 11-12 में जाते हैं तो आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लेते हैं, बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, जैसे फिजिक्स वाला है, मान के चलिए आपने उनका कोर्स ले लिया और वही जो वेल एडुकेटेड या कह सकते हैं बेहतर शिक्षक हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं गाँव में भी, मतलब आप ऑनलाइन माध्यम से देख रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा ले रहे हैं, जो कि गाँव के शिक्षक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि गांव के शिक्षक कमज़ोर होते हैं या उनको नहीं आता है, लेकिन जो फैसिलिटी आपको हाई लेवल का जो मिल जाता है वो आपको गांव में नहीं मिलता था। और जब से आईसीटी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, तो ये इसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। गरीब से गरीब बच्चा घर पर गाँव में रह करके नीट, मेडिकल, जो भी एग्ज़ाम है वो सब क्लियर कर रहा है, तो ये इसके लिए महत्वपूर्ण हो गया। उसके बाद उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रणालियों और प्रक्रियाओं के नियमों को अनुपालन में पारदर्शिता बढ़ा है। आप ऑनलाइन माध्यम से एडमिशन लेते हैं, एग्जाम देते हैं, सारा लिस्ट बन के आपको ऑनलाइन माध्यम से ही देख लेते हैं कितना अंक आया, क्या आया, नहीं आया, जिससे कि यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि गलत होने की संभावना कम हो जाती है और पारदर्शिता यहाँ पे बढ़ जाता है। पहले क्या था, कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म भरते थे, रास्ते में ही रह जाता था, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड नहीं आता था, तो वो सब समस्या से आप क्या हो गए, यहाँ से दूर हो गया, ठीक है। उसके बाद छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना, यहाँ पे क्या है, छात्र खुद इन्वॉल्व होते हैं, आप खुद यूट्यूब पे आए, खुद आपने सर्च किया और जो जो टॉपिक है उसको आपने सर्च किया, खोजा, तो इससे क्या हुआ कि आपकी भागीदारी यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है, आपकी भागीदारी बढ़ी, आपने सर्च किया, आपने टॉपिक को समझा, क्या सिलेबस, उससे क्या होता है भागीदारी बढ़ी और आप समझ जाएंगे कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद छात्रों के व्यवहार और ग्रहण शक्ति का विश्लेषण करना और उन्हें अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि छात्रों के व्यवहार में जब आप आईसीटी का यूज करते हैं, प्रौद्योगिकी का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, लैपटॉप का यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसमें पीडीएफ गूगल पे वेबसाइट पे सर्च करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि आप तकनीकी को भी सीख ले रहे हैं कि इससे क्या होता है, कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कैसे उसको सबमिट करना है, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, तो इस बारे में भी आपको जानकारी मिल जाती है, जिससे कि आप आईसीटी से संबंधित या कंप्यूटर से संबंधित रोजगार भी ले लेते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि अगर आप अच्छे एडुकेटेड हो गए तो आप ऑनलाइन आके पढ़ा भी सकते हैं, उससे भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से या अन्य ऐप के माध्यम से, ठीक है।
तो कहने का अर्थ है जब आप टेक्नोलॉजी जानेंगे तभी। बहुत सारे शिक्षक योग्य हैं, विद्वान हैं, लेकिन चूंकि उनके पास आईसीटी का नॉलेज नहीं है तो वो क्या हुए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, जिस कारण से उनकी जो व्यवसायिक जो प्रक्रिया थी टीचिंग का वो डाउन हो गया और वो कह सकते हैं कि उनकी बेहतर स्थिति नहीं है। लेकिन जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए तो उन्होंने ग्लोबलाइज्ड एजुकेशन कह सकते हैं कि पूरे कम से कम अपने राज्य के अपने देश के बच्चों से उन्होंने जुड़ाव किया और वहाँ से इनकम भी जनरेट किए, उनको रोजगार के भी अवसर मिले, साथ ही उन्होंने अन्य टीचरों को भी रोजगार दिया। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि आईसीटी ने एक प्रकार से क्या किया कि छात्रों को भी रोजगार क्रिएट करने में और साथ साथ शिक्षकों को भी रोजगार प्रदान करने में भूमिका निभाई है, इसको आप झुठला नहीं सकते। ठीक है, तो ये सब थे आईसीटी के प्रयोग से फायदे, इसका महत्व। अब देखिए वही चीज़ है कि लाभ क्या हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो यहाँ पे क्या होता है कि अधिगम का व्यक्तिकरण, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग, लोग समूह में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। जैसे अभी आप मोबाइल पे मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप अकेले देख रहे होंगे, ना कि पांच लोग के साथ देख रहे हो, जिससे कि आपका क्या है कि समझने की जो क्षमता है वो एकाग्र है। आप मोबाइल पे केवल मेरी बात सुन रहे हैं, आप बगल का छात्र क्या बोल रहा है वो नहीं सुन रहे हैं, या बगल में क्या हो रहा है आप ध्यान नहीं दे रहे, जिससे आपके अंदर एकाग्रता आ रही है और वो आपको लर्निंग में मदद पहुंचा रही है। ठीक है, वही आप अगर किसी कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो आप पढ़ रहे होते हैं तो बगल का छात्र कुछ बोल रहा है, पीछे से हल्ला हो रहा है, तो तरह तरह की आवाज़ें आ रही है, तो जिससे कि आपको वह डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। तो ये भी आपको आईसीटी से बहुत फायदा मिल रहा है। उसके बाद अंतर क्रियाशीलता, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मान के चलिए अगर हमारा क्लास बोरिंग लग रहा है आपको तो आप क्या कीजिएगा, स्किप कीजिएगा दूसरे टीचर के क्लास पे आ जाइएगा। लेकिन जब आप क्लास में बैठ जाइएगा किसी टीचर के तो आपको उठ के भागने नहीं देगा, या आपको भी शर्म आएगा कि कैसे अभी क्लास ले रहे हैं सर, हम बीच में उठ के कैसे चले जाए। तो आपको वहाँ पे भले हमारी बात पसंद आए ना आए तो आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आप स्किप कर दीजिए, अगर हमारा क्लास अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरे टीचर के क्लास पे आप चले जाइए। तो ये भी क्या है, अंतर क्रियाशीलता जो है, इंटरएक्टिविटी जो है वो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे पीडीएफ आपके जो जरूरत का चीज़ है, जैसे आपके जरूरत का आईसीटी नहीं है, आपको लगता है मेरी जरूरत का नहीं है, आप स्किप कीजिए इस टॉपिक को, इस चैप्टर को। ठीक है, तो ये आपको आईसीटी से फ़ायदा मिल रहा है। दूरी और हर एक मौसम में तटस्थता, जैसे अभी बारिश का मौसम हो गया तो क्या होता है कि जब आपको ऑफलाइन क्लास करने जाना है तो वहाँ पे आप नहीं पहुँच पाइएगा, बारिश हो गया, मौसम ख़राब है, ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, गर्मी हो गया, तो उस स्थिति में भी आप नहीं जा पाइएगा। और फिर अगर आप आईसीटी का प्रयोग करते तो घर बैठे रजाई के अंदर भी ठंड में, बरसात में, घर में बैठ के भी आप अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सब इसके बहुत बड़े फायदे लाभ हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है अधिक सस्ता और व्यापक पहुँच, इसमें महंगाई भी नहीं है, आपको अच्छे अच्छे क्लासेस 500, 600, 1000 रुपये तक भी मिल जाएगा, जिसमें कि पूरा टॉपिक वाइज आपको नेट JRF हो गया, अभी BPSC का जो टीचर का कंप्यूटर शिक्षक की बहाली आ रही है उसमें भी ये सब टॉपिक आपके पूछे जाएंगे। तो आप घर बैठे बहुत ही कम कॉस्ट में ही आप अध्ययन कर लेते हैं, तो ये भी इसकी एक कह सकते हैं कि लाभ है। अधिक सस्ता और व्यापक पहुँच है, यानी बहुत व्यापक क्षेत्र पे, गांव-गांव के बच्चे भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ पाते हैं, तो व्यापक पहुंच होता है इसमें। कॉस्ट इफेक्टिव एंड वाइडर रीच है, यानी अधिक सस्ता और व्यापक पहुंच बनाता है ये। उसके बाद एक समान गुणवत्ता, सबको समान रूप से एजुकेशन मिल रहा, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो सबको समान रूप से ही ये ध्वनि जा रही है और मैं सबको बराबर रूप से ही समझा रहा हूँ, ये नहीं कि किसी को ज़्यादा या किसी को कम फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो ये इसकी विशेषता हो गई। अब आते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रकार क्या होते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए इसको कई आधार पे हम लोग बांटते हैं, एक होता है आपका समय के आधार पर। ठीक है, तो समय के आधार पर जो होता है वो एक हो गया पुराने समय के, तो पुराने समय में हम लोग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ का प्रयोग करते थे, रेडियो का प्रयोग करते थे, टीवी का प्रयोग करते थे, टेलीफोन का प्रयोग करते थे, साथ साथ अभी नए टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करें, कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं,
वायरलेस तकनीक, वाईफाई, वायरलेस टेक्नोलॉजी, कोई भी सूचना का बिना तार के माध्यम से व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से देख लेते हैं, साथ साथ सैटेलाइट जो उपग्रह है उसके माध्यम से देश विदेश तक भी सूचनाओं को भेजा जा रहा है। तो ये सब नए टेक्नोलॉजी हो गए आईसीटी के, और यहीं रेडियो, टीवी, टेलीफोन, ये सब क्या है, संचार के पुराने साधन हैं। तो इसको आप समय के आधार पर दो भाग में बांट सकते हैं, नए और पुराने। चलिए, तो कई बार ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। शिक्षण के दृष्टिकोण से आईसीटी का जो नवीनतम जो कंप्यूटर और साथ साथ जो इंटरनेट है, ये इसका महत्ता को बढ़ाता है, जिसमें कि हम लोग श्रव्य दृश्य जो टेक्नोलॉजी है, प्रोजेक्टर हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, जिस पे हम सुनते हैं, देखते हैं, डिजिटल बोर्ड हो गया, ठीक है, तो ये सब अभी इसमें इंक्लूड हो चुका है नई टेक्नोलॉजी में। दूसरा, आपके मीडिया, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया, मीडिया के आधार पे कितने प्रकार के आईसीटी हैं, तो दो प्रकार के होते हैं मीडिया के आधार पर। पहला है आपका एनालॉग मीडिया, दूसरा है आपका डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया का मतलब है डिजिट में डाटा जाएगा, जैसे अभी का कंप्यूटर का युग है, तो ये सब डिजिटल मीडिया है। बाइनरी सिस्टम पे आधारित मीडिया है, जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी लिखते हैं या कोई भी डाटा देते हैं, तो वो डिजिटल माध्यम से ही एक जगह से दूसरे जगह जाता है। एनालॉग क्या हुआ कि एनालॉग में हम लोग जैसे सूचनाओं को जो अध्ययन करते हैं, उसमें खास करके हम लोग देखिए, यहाँ पे परिभाषा समझिए पहले, ठीक है। एनालॉग मीडिया क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। यह एक सतत संकेत, ये रुकेगा नहीं, एकदम पूरा चलते रहेगा, जो किसी वस्तु के भौतिक परिमाण जो है उसका भौतिक, उसको प्रतिनिधित्व करता है। जैसे स्पीडोमीटर, स्पीड बता दिया कितना तक चला, बाइक में जब आप स्पीड बढ़ाते तो मीटर भी बढ़ता है ना, तो वो भी एक प्रकार का मीडिया ही है, लेकिन वो क्या हो गया आपका एनालॉग मीडिया हो गया, वहाँ डिजिटल का कोई यूज नहीं होता, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे थर्मामीटर लगाते हैं, टेम्परेचर आपका खुद जो है आपका पारा में देखते हैं ना कि इतना बढ़ गया, तो वो उस प्रकार का जो है, जैसे पुराने टेलीफोन हो गए, जब आप बात करते तो वो सब एनालॉग साधन थे, एनालॉग मीडिया था। लेकिन जब आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं वर्तमान समय में, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो ये सब जो मीडिया के जो साधन हैं वो आपके डिजिटल मीडिया के रूप में आते हैं। तो कई बार एनालॉग और डिजिटल से आपसे संबंधित प्रश्न, ये आपका एनालॉग का सिग्नल हो गया, ये आपका डिजिटल का है, जो कि डिजिट में 01 की भाषा में, 01 की भाषा में, चूँकि दुनिया का कोई भी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो आपके हाई लेवल लैंग्वेज जो आप जो बोलते हैं सामान्य भाषा, उसको वो नहीं समझती है, वो मशीनी भाषा जो लो लेवल लैंग्वेज है, मशीनी भाषा है, उसको समझता है कोई भी दुनिया का डिवाइस, और वो भाषा है 01 की भाषा, बाइनरी सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो डिजिटल युग में डिजिट पे जो आधारित जितना भी टेक्नोलॉजी है वो सब बाइनरी सिस्टम पे ही आधारित होती है, 01 की भाषा पे आधारित होता है। तो यहाँ पे नए कंप्यूटर इंटरनेट का जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है वो आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जिसको कि हम लोग 01 की भाषा भी कहते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, और साथ ही इसको हम लोग बाइनरी सिस्टम भी कह सकते हैं, बाय मतलब होता है दो, तो 01 की भाषा, ठीक है। तो डिजिटल मीडिया, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब तीसरा जो प्रकार है वो है प्रसारण के आधार पर, ठीक है। आईसीटी टेक्नोलॉजी को प्रसारण, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, यहां से निश्चित रूप से आपके आईसीटी में, बेट के एग्जाम में या कंप्यूटर टीचर के एग्जाम में निश्चित रूप से पूछेगा। प्रसारण के आधार पे यानी ब्रॉडकास्टिंग के आधार पे आईसीटी कितने प्रकार से हम बांट सकते हैं, तो दो प्रकार से। एक होता है तुल्यकालिक, सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनस मीडिया। एक होता है असिंक्रोनस मीडिया। सिंक्रोनस मतलब तुल्यकालिक, जैसे हम लोग एज ए रन टाइम कह सकते हैं, या एट ए टाइम जब हम किसी के बात को बोलते हैं, सुनते हैं, या आप बोलते हैं वो रिप्लाई करता है, तो इस तरह का मीडिया जो होता है वो आपका तुल्यकालिक होता है। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब हम करते हैं तो हम भी कुछ बोलते हैं तो उधर से रिप्लाई आएगा, लेकिन जब अभी हम YouTube पे वीडियो डाल देंगे आपको, तो आप हमें क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप केवल हमारे बातों को सुन रहे हैं, तो ये आपका हो गया असिंक्रोनस, यानी दोनों तरफ से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, एक तरफ से हो रहा है, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है।
हम बोल रहे हैं आप केवल सुन रहे हैं, आप कुछ बोलिएगा हम नहीं सुनेंगे, आप गाली भी दे दीजिएगा तो हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब रन टाइम पे मतलब जब ये काम हो रहा है तो दोनों तरफ से जब कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड हो जाए तो वो तुल्यकालिक के रूप में सामान्य शब्द में हम कह सकते हैं। तुल्यकालिक मीडिया से तात्पर्य ऐसे मीडिया जो एक ही समय पर कार्य करता है, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, उसमें दोनों व्यक्ति जो सुनने वाला है जो बोलने वाला है आपस में कम्युनिकेट करता है, तो वो आपका तुल्यकालिक हो गया, सिंक्रोनस हो गया। लेकिन दूसरा है आपका अतुल्यकालिक मीडिया। अतुल्यकालिक मीडिया, असिंक्रोनस मीडिया उसको कहते हैं जिसमें प्रतिभागी विभिन्न समय और स्थानों पर उपलब्ध हो सकते हैं। इसमें मुद्रित शिक्षण सामग्री जैसे किताब हो गया, ये अतुल्यकालिक मीडिया है। यूट्यूब का वीडियो हो गया, ये तुल्यकालिक ये हो गया, साधन हो गया। रिकॉर्डेड वीडियो हो गया, रिकॉर्डेड ऑडियो हो गया, ये सब आपका अतुल्यकालिक मीडिया होता है, याद रखिएगा। अब तीसरा आपका आ जाता है, चौथा, उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर हम लोग आईसीटी को कितने भाग में बांटते हैं, तो वो भी तीन। आईसीटी शिक्षा, आईसीटी एजुकेशन, यानी इसका उद्देश्य एक ज्ञान आधारित समाज और अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन को बनाना होता है। यानी कहने का मतलब है कि आप उसको ट्रेंड करते हैं कंप्यूटर से, कम्युनिकेशन से, बोलने के लिए कैसे वो बोलता है, आपस में कम्युनिकेट करता है, तो उसको जब आप ट्रेनिंग दे देते हैं तो वो आईसीटी शिक्षा के अंतर्गत आता है, आईसीटी एजुकेशन के अंतर्गत आता है, जो कि मानव को मानव संसाधन में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा है आईसीटी समर्थित शिक्षा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीमीडिया, इसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कह सकते हैं, और ख़ास करके इसमें जो है दूरस्थ जो विश्वविद्यालय हैं जैसे ओपन यूनिवर्सिटी, वो लोग शिक्षण सामग्री भेजते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो भेजते हैं, या टीवी कार्यक्रम के माध्यम से क्या करते हैं कि छात्रों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये सब जो होता है आईसीटी समर्थित शिक्षा हो गया। ठीक है, तीसरा आईसीटी सक्षम शिक्षा, या संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम पूरी तरह से आईसीटी पर आधारित होता है। इसमें सारा जैसे आपका अभी का जो YouTube हो गया, ये सब क्या है कि आपको पूर्ण रूप से इसका कार्यक्रम आईसीटी पर ही आधारित होगा। अभी इंटरनेट बंद हो गया तो आप नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर भी तीन भागों में आईसीटी को बांटे। तो आईसीटी को यही आपका ग्राफ चित्र के माध्यम से हमने यहाँ पर दिखा दिया है। आईसीटी क्षेत्र में आईसीटी के प्रकार समय के आधार पर, पहला समय के आधार पर, पुराना नया, पुराना में आपका रेडियो, टीवी, टेलीफोन हो गया, नया कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब हो गया। एनालॉग में आपको जैसे थर्मामीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया। डिजिटल में आपका जितने भी लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी संचार के अभी इंटरनेट के उपयोग से हम लोग कर रहे हैं वो सब डिजिटल में आ गया। प्रसारण काल में तुल्यकालिक हो गया, जैसे हम एज ए रन टाइम पे कह सकते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो गया तो तुल्यकालिक हो गया। और तुल्यकालिक केवल एक तरफ से कम्युनिकेट होता है या किसी अन्य समय पे, जैसे अभी हमने पढ़ा है, बाद में आपने वीडियो देखा, रिकॉर्डेड वीडियो सेशन हो गया, किताब हो गया, ये सब अतुल्यकालिक मीडिया में आता है। उपयोग के आधार पे भी हमने बता दिया आईसीटी शिक्षा, जो कि आईसीटी से संबंधित शिक्षा है जिससे रोजगार मिलता है। दूसरा आईसीटी समर्पित शिक्षा होता है, समर्थित, ठीक है। और तीसरा होता है आईसीटी सक्षम शिक्षा, जो कि बिना आईसीटी के प्रयोग से सक्षम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से आईसीटी के बारे में आपको हमने बताया प्रकार। अब देखिए सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य घटक क्या होता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है सूचना प्रौद्योगिकी के लिए। तो सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जो ज़रूरत है, सबसे पहले ज़रूरत है कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी का। जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है उसके बिना, कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना संभव ही नहीं है। जैसे इनपुट डिवाइस है, जैसे आप लोग कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब क्या है, एक प्रकार से हार्डवेयर है जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, तो वो हार्डवेयर के अंतर्गत आता है, और बिना कंप्यूटर हार्डवेयर के आप आईसीटी नहीं कर सकते हैं। इसमें इनपुट आउटपुट स्टोरेज मतलब हो गया मेमोरी कार्ड वगैरह। तो बिना आप इनपुट डिवाइस के रूप में आप कीबोर्ड बोल सकते हैं, माउस बोल सकते हैं, जॉयस्टिक बोल सकते हैं, डिजिटाइजर बोल सकते हैं, ये सब क्या होता है, स्कैनर बोल सकते हैं, ये सब इनपुट होता है। आउटपुट हो गया आपका मॉनिटर हो गया जिस पे आपको स्क्रीन हुआ, प्रिंटर हो गया, ठीक है, या आप कह सकते हैं लाउड स्पीकर हो गया, साउंड बॉक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है।
संग्रह, संग्रह के अंतर्गत आपका स्टोरेज में आ गया, मेमोरी कार्ड हो जाते हैं, स्टोरेज मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क पहले हुआ करता था, ठीक है, पेन ड्राइव हो गया, ये सब आपके स्टोरेज होते हैं। तो इन सब के उपकरण शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो इसमें आप लोग बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कोई काम ही नहीं, जैसे इस शरीर में आत्मा के बिना यह शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार से बिना सॉफ्टवेयर के आपका कंप्यूटर व्यर्थ होता है। तो सॉफ्टवेयर इसमें प्रचालन प्रणाली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, वेब ब्राउजर जो आप इंटरनेट का जो आपका एप्लीकेशन जो खुलता है वेब ब्राउजर के माध्यम से, डाटाबेस जो DBMS प्रबंधन, जो भी आप डाटा डालते हैं वो कहीं ना कहीं सर्वर पर जब जाता है तो DBMS का वहाँ प्रयोग होता है सर्वर, तो ये सब सब संबंधित होता है। अभी मैंने आपको YouTube पे पढ़ाया, तो कहीं ना कहीं ये सर्वर पे ये अपलोड हो गया, तो वहाँ पे सर्वर जो कि एक बहुत बड़ा डाटा कलेक्शन का एक जगह है जहाँ पे डाटा जाके सेव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही ये सब सारा संभव हो पाता है, वेब ब्राउजर इंटरनेट के माध्यम से ही आप यूट्यूब खोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सॉफ्टवेयर है इसका बहुत बड़ा योगदान है ICT के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। उसके बाद है आपका दूर संचार और नेटवर्क प्रौद्योगिकी। तो जब तक नेटवर्क एस्टेब्लिश नहीं होगा, इंटरनेट नहीं आएगा, तब तक आप क्या YouTube चला सकते हैं, क्या आप कोई वीडियो खोल सकते हैं? तो उसके लिए क्या होता है कि दूर संचार माध्यम की बहुत आवश्यकता है। उसमें अभी सबसे फास्टेस्ट माध्यम होता है ऑप्टिकल फाइबर, उसके बाद आपका प्रोसेसर, और साथ ही इंटरनेट जोड़ने के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, नेटवर्क सुरक्षा साइबर सिक्योरिटी के भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, तो ये सब भी ICT में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद तीसरा तो मानव संसाधन होता ही है, चौथा बिना मानव संसाधन के स्किलफुल बिना बने आप जो है क्या आप मूर्ख लोग को दीजिएगा तो वो YouTube मोबाइल पर चला सकते हैं? नहीं चला पाएंगे जब तक कि उनको ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साथ साथ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी मानव संसाधन ही होता है जो हर एक सूचनाओं को व्यवस्थित करके देखता है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी एक प्रकार से यहाँ पे मानव संसाधन के रूप में ही आपके लिए कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी होना जरूरी है। तो कहने का यहाँ पर है कि सूचना प्रौद्योगिकी घटक में इसके बिना संभव नहीं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क और मानव, ये चारों चीज निश्चित रूप से ही होने चाहिए, बिना इसके संभव नहीं है। अब कुछ देखिए गुण है तो अवगुण भी होता है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इसके सीमाएं भी हैं। वो क्या है? आधारभूत संरचना का उच्च प्रारंभिक लागत, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, हमारे पास कैमरा होना चाहिए, हमारे पास डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, हमारे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, बहुत सारी यहाँ पे जो है आवश्यकताएं जो होती है। तो आधारिक संरचना होगा तभी यह संभव हो पाएगा। तो उसके उसमें क्या होता है, उच्च लागत आता है। हाँ, आपके पास इजिली इंटरनेट लिए आप जो है, लेकिन उसके लिए आपके लिए भी तो आपको मोबाइल खरीदना होगा अच्छे क्वालिटी का, तभी आप वीडियो देख पाइएगा, इंटरनेट चार्ज। तो आधारभूत संरचना की आवश्यकता होती है और उसके लिए क्या होगा, लागत लगेगा, फ्री में तो संभव नहीं है। तो जो लोग बिल्कुल गरीब हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो वो नहीं पढ़ पाएंगे। उसके बाद शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान, ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ हैं आप यहाँ पे नहीं पूछ सकते, यहाँ पे हो सकता है कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके जो मतभेद हैं हमसे वो आप दूर नहीं कर पाइएगा, ठीक है। उसके बाद अधिगम समस्याएं भी होती है, लर्निंग में भी बहुत सारी समस्याएं होता है, लाइटिंग इफेक्ट, साउंड इफेक्ट, तरह तरह की बातें हो सकती है। उसके बाद ICT मूल रूप से क्या है, तो ICT मूल रूप से आपका क्या है, एक वितरण प्रणाली है, यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप तक वो कितना ईजिली पहुँच जाए, ठीक है, या नहीं पहुँचे तो एक प्रणाली है, इसमें बहुत सारी बाधाएँ आ सकती है। हो सकता है आपके क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्शन फेल हो, स्लो हो, ठीक है, लाइट नहीं आती हो, मोबाइल डिस्चार्ज हो, बहुत बात है, ठीक है। प्रदर्शन मूल्यांकन में कठिनाई, आपको यहाँ पे जो है मूल्यांकन कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि आप बेहतर समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे हैं, तो मैं अपने फॉलो में पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कई लोग इसमें समझ नहीं पा रहे, लेकिन आपकी जो बातें हैं
वो मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ये सब भी समस्याएं कई बार होती है। उसके बाद सतत प्रशिक्षण की आवश्यकताएं होती है, बार बार टेक्नोलॉजी बदलता है, जैसे ये डिजिटल बोर्ड ही है, इसमें भी तरह तरह के डिजिटल बोर्ड आते हैं, पहले प्रोजेक्टर पर लोग पढ़ाते थे, बहुत तरह का जो संसाधन धीरे धीरे क्या होता है प्रशिक्षण लेना पड़ता है जो टीचर पढ़ाते हैं उनके लिए भी, ठीक है। और फिर यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। कई लोग अभी भी ऑफलाइन को ही प्रेफर करेंगे, उनको लगता है ऑफलाइन ही बेहतर साधन है। कई लोग जो ऑनलाइन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उनको लगता है ऑनलाइन सबसे बेहतर है, सस्ता का सस्ता, और घर बैठे आप पढ़ते हैं, टाइम बचत हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपको मनोवैज्ञानिक रूप से आपकी जो सोच है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। चलिए अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे जो कि आपके एग्जाम में नेट JRF बेट के एग्जाम में या कंप्यूटर साइंस के जो कंप्यूटर टीचर के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। चलिए सबसे पहला, निम्नलिखित में से कौन सा संचार तकनीक केवल अतुल्यकालिक संचार नियोजित करता है? अतुल्यकालिक मतलब कि आप किसी को सूचना देते हैं, वो देखता है, वो रिप्लाई आपको तुरंत नहीं कर सकता। तो जैसे यहाँ पे देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को हमने क्या बताया था, ये तो आपका क्या तुल्यकालिक है, क्योंकि एज ए रन टाइम पे आप एक ही टाइम पे आप बोलते हैं, सुनते हैं, समझाते हैं, वो भी बोलता है, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए ईमेल, ईमेल क्या हो जाएगा आपका, ईमेल जब आप भेजते हैं, ठीक है, तो एक टाइम पे आप ईमेल भेजेंगे तो वो पढ़ेगा तब दूसरे, तो ये हो सकता है। उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं ये भी हो सकता है। इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब तुरंत मैसेज रिप्लाई कर देना, तो वो भी आपका क्या हो गया तुल्यकालिक, एज एक ही समय पर आप मैसेज किए तुरंत, जैसे व्हाट्सअप हो गया, तो वो हो गया आपका तुल्यकालिक के रूप में। तो यहाँ पे ईमेल और फॉर्म ये जो हो गया वो आपका क्या हो गया अतुल्यकालिक हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 जिसमें होगा वो आपका अतुल्यकालिक है, बाद बाकी यहाँ पे तुल्यकालिक है जो कि एक ही टाइम पे आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। तो एक ही समय पे होगा वो तुल्यकालिक, एक समय पे नहीं होगा तो वो हम अतुल्यकालिक, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल और फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन चैट का एक प्रकार है जो इंटरनेट पर वास्तविक समय पर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रदान करता है, ठीक है। तो अतुल्यकालिक मैसेजिंग, असूचीबद्ध मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, तो ये हो गया आपका। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन चैट का एक प्रकार है जो इंटरनेट पर वास्तविक समय पर एक ही टाइम पे टेक्स्ट को आदान प्रदान या ट्रांसमिशन करता है, वो हो जाएगा आपका इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द जो है उसका प्रयोग किया जाता है, ICT का प्रयोग, ICT का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी हमने आपको बताया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ऑप्शन, इंफॉर्मेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन कैपेबल टेक्नोलॉजी है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन अभी आपको हमने बताया है। निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? तो जो आपका ICT सपोर्टेड एजुकेशन, ICT इनेबल्ड एजुकेशन, ICT एजुकेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो ICT से जो संबंधित एजुकेशन है, ठीक है, तो ICT सपोर्टेड एजुकेशन, ICT इनेबल्ड, ICT एजुकेशन, ठीक है, तो ICT सपोर्टेड एजुकेशन को हम लोग क्या कहते हैं मल्टीमीडिया शिक्षा के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है? तो पहला ऑनलाइन लर्निंग बिल्कुल है, दूसरा है EduSET का उपयोग के माध्यम से सीखना, ये भी वेब आधारित लर्निंग, ये भी, तो ये सब सभी क्या हैं ICT के ही साधन हैं लर्निंग के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सबसे उचित कथन कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के प्रसंस्करण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है, सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है, सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की सूचनाओं के भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है। तो सबसे जो उपयुक्त है यहाँ पे यही है, अनेक प्रकार की सूचनाओं का भंडारण, ठीक है,
साथ साथ उसको पुनः प्राप्ति करना, ठीक है, उसको फिर से ग्रहण करना भी और उसको प्रोसेसिंग करना, तो ये सब काम जो है आपके सूचना प्रौद्योगिकी का है। तो ये सबसे यहाँ पे उपयुक्त आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी के चार बुनियादी आयाम में से नहीं है? तो कौशल तो है ही, बिना कौशल के तो ये हो ही नहीं सकता। आधारिक संरचना भी चाहिए, मानव संसाधन भी चाहिए, लेकिन मनोवृत्ति से यहाँ पे कोई मतलब इसका नहीं है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आईसीटी के चार बुनियादी आयामों में मनोवृत्ति नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मानक उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाता है? अभिगम, समानता, संसाधन। तो सबको हम लोग ले सकते हैं, अभिगम, समानता, संसाधन, ये हायर एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर उपरोक्त क्या हो जाएगा आपका आंसर, सभी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग जब पीडीएफ, जब आप कोर्स से जुड़ते हैं तो मैं पीडीएफ देता हूँ, तो पीडीएफ के माध्यम से भी आप ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से टेस्ट लगाते हो, तो ये सब तरह के क्वेश्चन आप इजीली बना लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, संदेश, संकेत एक ही समय में भेजने एवं प्राप्त करने के संदर्भ में है? तो हमने आपको बताया था, एक ही समय पे संदेश को भेजना और प्राप्त करना क्या कहलाता है, तुल्यकालिक मीडिया कहलाता है। तुल्यकालिक हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा तुल्यकालिक। ठीक है, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसका उदाहरण है? तो अभी हमने आपको बताया, यह एक तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। उसके बाद यहाँ पर है सूचना जो ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो, एनिमेशन का प्रयोग करता है, संयोजन करता है, क्या कहलाता है? मल्टी प्रोग्राम, मल्टी फेसेट, मल्टी मीडिया। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, मल्टी मीडिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, मल्टी मीडिया कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको क्या किया कि पूरा सेट यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाया, जो पीडीएफ है उसके नीचे में आपका जो सारा है, ठीक है, आंसर भी दिया हुआ रहता है और आंसर भी आप बना करके चेक कर सकते हैं कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये सारा जो है ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको समझा दिया। निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहते हैं? तो आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, इसका ऑप्शन नंबर ए याद रखना है आपको। ठीक है, बाद बाकी भी हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, थ्योरी यही है। और आईसीटी से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो आपको निश्चित रूप से यहाँ से पूछे जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आईसीटी का आपका पहला टॉपिक, आईसीटी का प्रयोग, आईसीटी कहते किसको हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर यहाँ से नेट, बेट या कंप्यूटर साइंस शिक्षक में अगर प्रश्न आएंगे तो आप निश्चित रूप से बनाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। और कोर्स से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं, मात्र 999 रुपया में आपको नेट, बेट और साथ ही आपके कंप्यूटर साइंस शिक्षक के जो सिलेबस हैं उसको आपको करवाया जाएगा। ठीक है, जिसमें हम आपको पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर सारा कुछ अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।